नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, घंटा नहीं मिलेंगे, हम नहीं मिलेंगे, मार के भगा भी देंगे यहाँ से। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल टाइप वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ जिसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। और वो शख्स जितने भी छोटे क्रिएटर हैं जिनके चैनल पर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, उन सभी की वो हेल्प करते हैं। और जिनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है वो क्रिएटर, आप लोग यार समझ ही गए होंगे कि आखिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ टेक चैंपियन सपोर्ट सर यानी यूट्यूब वाले बाबा की मैं बात कर रहा हूँ। और आज मैं आप लोगों को उन्हीं से मुलाकात कराने वाला हूँ, यानी कि यूट्यूब वाले बाबा से मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ। और उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे वो चैनल चेक करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं या नहीं करते, और उनके पास क्या क्या यूट्यूब से उन्होंने क्या क्या लिया, सब कुछ दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों को वीडियो में आगे देखना है और फिर बाद में आप लोगों को कमेंट करना है कि वाकई में यूट्यूब वाले बाबा सही कर रहे हैं या फिर नहीं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं यूट्यूब वाले बाबा के गाँव, यानी कि इनका गाँव है शाह ज़िले में। फतेहपुर से थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, 12-13 किलोमीटर, वहाँ पर शाह ज़िला है, शाह गाँव है, वहाँ पर इनका ही स्कूल है। उसके बाद में स्कूल इधर साइड में यूट्यूब वाले बाबा चैनल चेकिंग करते हैं, जितने भी लोग इनसे मिलने आते हैं उन सभी के चैनल चेक करते हैं। वैसे आज संडे है तो हर संडे के यूट्यूब वाले बाबा चैनल चेक करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब वाले बाबा सभी जो क्रिएटर है उनके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं और रील वगैरह यहाँ पर शूट करवाते हुए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इनकी साइड में एक बुलेट बाइक भी है, जो कि आप लोग अभी स्कूल देख सकते हैं। यहाँ पर ये स्कूल है और उसके बाद में ये बुलेट बाइक है जिस पर यूट्यूब के स्टिकर वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बहुत ही शानदार भैया 2 मंजिला स्कूल है जो कि यूट्यूब के पैसों से बनवाए। आप लोग इनके चैनल पर वीडियो भी देख सकते हैं, लगभग 2 करोड़ का ये स्कूल है और ये यूट्यूब वाले बाबा ने बनवाए। उसके बाद और आप लोग स्कूल देख सकते हैं, इसके अंदर भी हम बताएँगे क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें दोस्तों एक्सप्लोर करने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई सब इनके पास बहुत ही ज़्यादा कार कलेक्शन आप लोग देख सकते हैं इनका। उसके बाद ये स्कूल के बच्चों के लिए इन्होंने एक बस भी ले रखी है जिसकी कीमत आप लोग देख सकते हैं लगभग 25 लाख के लगभग ही होगी। उसके बाद ये स्कूल है इनका JS इंटरनेशनल स्कूल जो कि शाह गांव में है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो स्कूल है वो लगभग पीछे तक इनका स्कूल है, जहाँ तक आप लोगों की नज़र जाएगी वहाँ तक दोस्तों इनका स्कूल है। उसके बाद ये बस है, यहाँ पर आप लोग एड्रेस भी देख सकते हैं, फतेहपुर के शाह गाँव में है। यहाँ पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल शानदार इनका स्कूल है और ये स्कूल की बस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। वहाँ से हम आ रहे थे और यहाँ तक हम आए और इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कितना अंदर तक ये है जगह है, यानी कि स्पेस है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये स्कूल की, लगभग 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊँची ऊपर में इतनी मस्त डिज़ाइन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप लोग देखते हैं ना यूट्यूब वाले बाबा की कार वो यहीं पे खड़ी है। और यूट्यूब वाले बाबा के पास भाई ट्रैक्टर भी है, ये नहीं कि कार ही है, ट्रैक्टर भी है उनके पास और ये उनकी कार है, लगभग उनके पास 2-3 कार है, शायद 2-3-4 कार है। उसके बाद ये रील वगैरह शूट करवाते हो यहाँ पर। उसके बाद ये उनकी कार है जो पर्सनल कार है, टाटा की टियागोर है शायद, जो कि लगभग 10 लाख रुपये की कार है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टिकर यूट्यूब वाले बाबा। तो और आगे देखते हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर है और पीछे ये ट्रॉली भी खड़ी हुई है ट्रैक्टर की। और स्कूल तो भाई बहुत बड़ा है, जितना आप लोगों की नज़र जाएगी ना उतना बहुत बड़ा स्कूल है। उसके बाद ये कार के अंदर मैंने शूट कर लिया थोड़ा सा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भाई कार है, उसके बाद में यहाँ पर ट्रैक्टर है, उसके बाद में स्कूल है, बस है और साइड में पीछे कार भी है, बुलेट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप लोग स्कूल देख सकते हैं, बहुत बड़ा स्कूल है, छोटे बच्चों के लिए स्कूल है, गाँव में बना हुआ स्कूल है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के अंदर ये स्कूल बना हुआ है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, ये 2 मंजिला स्कूल है और पीछे भी आप लोग देख सकते हैं उसके ऊपर भी है, थोड़ा सा निर्माण कार्य चल रहा है तो बहुत ही जल्द जो निर्माण कार्य है वो भी पूरा हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ प्रकार से बीच में ये यहाँ पर चैनल चेकिंग करते हैं, मेरे सामने यहाँ पर ये चैनल चेकिंग कर रहे हैं। उसके बाद एक यूट्यूबर ने यूट्यूब वाले बाबा का इंटरव्यू भी लिया जो कि बहुत ही फनी इंटरव्यू था, आप लोग वीडियो में देखें आगे। अगर संडे का पहले आ जाए तो अगर तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, घंटा नहीं मिलेंगे, हम नहीं मिलेंगे, मार के भगा भी देंगे यहाँ से। उल्टा हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, अगर संडे को हम दे रहे हैं समय तो संडे को ही देंगे। अब किसी भी दिन आ जाओगे तो फिर जिस दिन मुंह सही रहेगा तो टोटो ठीक है, चलो मिल लेंगे, हम मुँह सनका तो भगा देंगे। इतना जो आपको यूट्यूब में कामयाबी हासिल हुआ इनमें
किसका हाथ है, किसका आशीर्वाद है तुम्हारा आपके ऊपर? अरे भाई मेरा इसमें कामयाबी मेरा ही हाथ है ना, मेहनत तो मैंने किया ना, मैं किसी का हाथ नहीं बोल रहा हूं, मेरा ही हाथ है। अरे किसी को कामयाबी में किसी का ना किसी का हाथ चाहिए, या तो मम्मी का पापा का, ना 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 मम्मी का ना पापा का ना बीबी का, बीबी आई नहीं है तो ना बच्चे हैं, इसमें हमारा ही हाथ है अपने ऊपर ऐसे। बस बस इंसान को अपने आप पे भरोसा है ना कामयाबी पे, तो वही आगे बढ़ता है, जो दूसरों का सहारे हो जाता है कि वो हाथ लगाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे तो वो जीवन में नहीं बढ़ता है, समझ रहे हैं? हमारी कामयाबी पीछे हमारा ही हाथ है। ये लोग जो लोग यूट्यूब पर काम करते हैं उनके लिए आपको क्या कहना है, उनको कैसे काम करना पड़ेगा जो आपके जैसा? कहानी बहुत बड़ी, अब इसको बताने में दिक्कत हो जाए, 10 मिनट ऊपर चली जाएगी। अरे मेहनत करनी पड़ेगी आपको, हर बार सबसे दूर रहना पड़ेगा थोड़ा सा, जो भी काम कर रहे हैं तुम न्यूज, आप न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, तो आपको भी फोकस करना पड़ेगा इसी काम पे ना। अब देखो हम तो भैया नौकरी पहले छोड़ दिए थे, हमारे पास सिर्फ बचा था यूट्यूब, हमारी थी मजबूरी कि हमको यूट्यूब करना है तो करना, चाहे कैसे भी करना है। अब कोई और तो नौकरी थी नहीं, अगर 10-15 हज़ार कमा रहे होते तो लगता है कोई बात नहीं, यूट्यूब तो नहीं मिला नौकरी तो मिल ही रहा था खर्चा, लेकिन तब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमको करना है तो यूट्यूब ही करना है, तभी आगे बढ़े। आ रहा था आप गुड़गामा में एक कंपनी में जॉब करते थे, तुम थे कब? नहीं सुनने को मिला तो सब लगा जमाने के बाद को तुम आज बता रहे हो भाई, करते थे बहुत पहले करते थे, अब छोड़ दिए। अच्छा कंपनी में काम करते करते आपने यूट्यूब पर आए, उस पे आप काम किए, वीडियो बनाए, जब पैसा आया जब कंपनी आप छोड़े आगे उससे पहले छोड़ देते आने के बाद छोड़े थे? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर कंपनी में काम कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं तो आपका वीडियो देख करके वो कंपनी छोड़ देते हैं। अरे नहीं भाई ऐसा नहीं कर रहे हम, और वीडियो आ जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, पास बैकअप होता है ना उतना, भैया आपके पास पैसा होगा तभी तो आप वीडियो बनाएंगे, बैकअप होगा आपके पास, अब नहीं है तो कैसे काम चलेगा? अब हाँ हमने बैकअप महीने थोड़ा बहुत कमा धमा लिए थे, हो गया उसका सब कुछ, ना पूछो रहा है कुछ नहीं बताएंगे, 2 मिनट हो गया ना आपका, 2 मिनट हो गया, ज्यादा हो गए आपका, ज्यादा हो गए। वीडियो देखे हैं जो मल्टी बाबू दे दो भैया को, अच्छा वीडियो आपने डाले थे वो YouTube वाला ने डिलीट कर दिया, वीडियो में बता कर दिया क्योंकि शायद उसमें मैंने वीडियो वगैरह फुटेज दिखा दिया ना, जैसे फांसी लगा रही है साइड वगैरह के बारे में आपको नहीं ऐसे बताना, अवेयर नहीं करना, तो उसमें वो YouTube को लगा कि हम सिखा रहे हैं, हम उसमें सिर्फ नॉलेज दे रहे थे, मतलब एक न्यूज दे रहे थे, उसमें सिखा तो नहीं रहे थे, लेकिन वो उसने गलत समझ लिया, उसको डिलीट कर दिया, फिनिश करके बनाते चैनल। एक बार यूट्यूब से आप बना आपका उड़ गया था ना, उड़ नहीं था डिलीट हुआ था, हमारा फोन नहीं कर पा रहा था, वो पहुंच गया था ऊपर, डिलीट हो गया था ना। ओ हेड बॉल ये बोल लाते तो अलग बात है। सर बियर पीते हैं? नहीं पी सकते क्या? नहीं पी सकते सर, कोई दिक्कत नहीं, हमारी हमारी वो पर्सनल लाइफ है, पिया पिए दारू पिए टाइम टाइम पे ना। ये देख सकते हो दोस्तों बाबा जी को गिफ्ट, बाबा जी को गिफ्ट मिला है, और इसके अंदर अभी आप लोग को एक घंटे के बाद बताएंगे क्या निकलने वाला है। एक घंटे मतलब कहाँ से आए आप? उड़ीसा से। ये भैया जी उड़ीसा से आए और बाबा जी के लिए तोहफा लेके आए, साथ में ये भी उड़ीसा से आ गए बाबा जी के लिए। देखो भाई एक चीज मैं ये बोलूंगा आपको, आप सभी को भाई, बाबा जी की तबीयत आज डाउन है मगर बाबा जी फिर भी लोगों को देखो आज लोगों के लिए टाइम दिया है, लोग इतने हैं सुबह से, लोगों की कतार लगी पड़ी है, आप लोग देख सकते हो इतने सारे बाबा जी से लोग मिलने के लिए आए, और बाजू में दिखाएंगे लास्ट में देखो बहुत लोग खड़े हैं, वो बाजू में बहुत सब लोग खड़े हैं, बहुत लोग आके चले भी गए, और बाबा जी की तबीयत डाउन है फिर भी लोगों को देखो सिखा रहे हैं बता रहे हैं, हिम्मत नहीं ऐसा यूट्यूबर। तो दोस्तों यार आप लोगों ने वीडियो देख ली और कुछ इस प्रकार की ये वीडियो थी, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई YouTube से YouTube वाले बाबा ने कितना कुछ हासिल कर लिया, YouTube वाले बाबा ने YouTube के पैसों से स्कूल भी बना लिया, उसी के साथ साथ बहुत ही सारे यहाँ पर काम भी कर लिए, और उनकी व्यवहार की बात करें तो व्यवहार तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है, सबके लगभग वो चैनल चेक कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी तबीयत ख़राब है फिर भी वो जितने भी लोग आते हैं उन सभी के चैनल चेक करते हैं, और शायद ही कोई ऐसा होगा
जो हर संडे को यार अपने सब्सक्राइबर को टाइम देता होगा। तो बाकी सब कुछ यार ठीक था, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, चैनल बनाया यार तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।